सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की इस वीडियो में देख सकते हो मैं सेटअप पे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि गाइस आज की वीडियो जो है वो टावर होम थिएटर मेकिंग के ऊपर है। आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया था गाइस, आज की इस वीडियो में हम उसके अंदर स्पेयर होल करने वाले हैं हमारे ट्विटर्स के लिए और ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए, और कुछ आइडियाज़ मैं उसके अंदर लगाने वाला हूँ, अपना दिमाग लगाने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहना। अभी जो स्पीकर का बॉक्स है वो बाहर की साइड में रखा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मार्किंग की है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी दिखा दिया जाए कि कैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। अगर कभी आप भी बनाएं तो वैसे आप मार्किंग कर सकते हैं। सो गाइस, मेरे पे यहाँ पे ज़्यादा टूल नहीं है, किसी का हेक्सा जो मशीन होता है, मतलब जैक्सा मशीन होता है, वो मैं ले करके आया हूँ, तो उससे होल करने वाले हैं। मेरे को चलाने तो वैसे आता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा अच्छे से होल करने की। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए हमारा प्रकार रखा हुआ है, इसके ही मदद से मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया इस ट्विटर के लिए। और गाइस, ट्विटर को हम बाहर से नहीं लगाएंगे, कोशिश करूंगा इसे अंदर से लगाने की, जिससे कि इसका लुक भी अच्छा रहे। अगर हम बाहर से लगाएं, देखते हैं, पहले होल कर लेते हैं, जैसा भी अच्छा होगा हम उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ट्विटर्स के लिए मैंने अभी मार्किंग की है, और गाइस यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए भी हमें मार्किंग करना है। सो मैं देखता हूँ कहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल अच्छा रहेगा लगाना, या फिर पीछे, सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिख जाएगी। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। तो प्लीज़ यार अभी लाइक कर दो, और शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी जल्दी जैसे ही हम इसको मतलब इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं, होल कर लेते हैं, फिर उसके बाद गाइज ये पेंट भी नहीं हो रखा, तो इसको पेंट भी करेंगे हम। सो सारे इसी वीडियो में सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज पूरा एंड तक देखते रहना। तो चलिए सारा काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, स्पीकर को हम कुछ इसी तरीके से रखने वाले हैं, ठीक है। अंदर से रखेंगे तो फिर ऑड लगेगा, क्योंकि जो हमारा होल है वो टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो हम बाहर से ही रखेंगे, और गाइज जो एक्स्ट्रा होल हुआ है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइज, अंदर से हम ग्लू गन की मदद से इसका जो होल रह जाएगा, जो स्पेस रह जाएगा, उसको हम कवर कर देंगे, जिससे कि एयर पास ना हो पाए। अब गाइज दूसरा भी हम कुछ उसी तरीके से यहाँ भी होल कर लेते हैं, पहले ड्रिल मशीन से, फिर हम जैक्सा मशीन से करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, और गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना है। Thank you.
देख सकते हो हमारे ट्विटर्स के लिए होल हो गए हैं गाइज। अगर मैं इसको हटाऊँ तो आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होल दिखेगा, बट कोई नहीं गाइज, एयर पास हम इसमें नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ गाइज, यहाँ से इसको ट्विटर्स को लगा करके ऐसे, और जो अंदर से होगा हम इसे ग्लू गन की मदद से अच्छे से सील पैक कर देंगे, जिससे कि एयर बिल्कुल भी बाहर की साइड पास ना हो। ठीक है, खाली एयर जो हमारा होगा वो यहीं से पास होगा और कहीं से नहीं होगा, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ेंगे जहाँ से एयर पास हो। और गाइस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे हम एक होल करते हैं चौकोर टाइप का, ठीक है, इतना बड़ा होल करेंगे कम से कम, इतना नहीं, इससे थोड़ा पतला ही करेंगे। और गाइस वहीं पे हम बेस ट्रेबल और जो हमारा क्या कहते हैं वॉल्यूम होगा वो तीनों वहीं रख देंगे, यहीं रख देंगे, और माइक का जो भी होगा सारी चीज़ें हम यहीं रखेंगे। ठीक है, और उसे भी कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे कि वहां से भी एयर पास ना हो। ठीक है, तो फ्रंट में ही हम सारी चीज़ें रखते हैं, RC सॉकेट भी हम फ्रंट में ही लगाएंगे, तो सारी चीज़ें हम फ्रंट में ही करते हैं। ठीक है, बैक से सारी चीज़ें हटा देते हैं, स्विच विच का कनेक्शन सब हम यहीं कर देते हैं। ठीक है, बैक से खाली हम वायर निकाल देंगे, तो मैं यहाँ भी एक होल कर लेता हूँ जैसा भी करना है मुझे। सो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा जो टावर होम थिएटर है उसके अंदर ट्विटर्स के लिए और साथ ही बेस का कनेक्शन के लिए हमने होल कर लिया है ब्लूटूथ पैनल के लिए भी। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है अब वो। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है। गाइस मैं कारपेंटर नहीं हूँ, इस वजह से जो है थोड़ा सा उल्टा सीधा कट हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया है, देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो कोई नहीं गाइस, इतना चल जाएगा जब हम इसे अच्छे से बनाएंगे। तो इसमें ऐसा कर देंगे गाइस कि एयर पास ना हो, तो उसके लिए मैं कुछ आइडियाज़ अपनाऊंगा, वो आप देख लेना कौन कौन से आइडियाज़ मैं अपनाता हूँ। बाकी ये इतना हो गया, अब इसके ऊपर हम पेंट करते हैं गाइस, क्योंकि ये हल्का पेंट था तो अभी मैं स्प्रे पेंट लाया हूँ, तो इसके ऊपर करते हैं और देखते हैं ये देखने में कैसा लगेगा स्प्रे पेंट होने के बाद। ठीक है, तो अभी आप देखते रहिए, और गाइस आने वाली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बनाएंगे, बस एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम इसे पूरा कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, फाइनली हमारा जो टावर होम थिएटर का कैबिनेट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब पेंट भी कर दिया गया है। गाइस आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूँगा, गाइस इसमें मेहनत तो लगती ही लगती है, देखो इन सबको बनाने में मेहनत तो लगती है। ठीक है, मेहनत लगने के बाद इसमें पैसा भी लगता है, और पैसा गाइस काफ़ी ज़्यादा लगता है, कम नहीं लगता। अभी तक मैंने इसके अंदर 2 से 3 स्प्रे की बोतल जो है वो इसके अंदर मैंने लगा दिया है एक कैबिनेट के अंदर। सो आप देख सकते हो अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सो गाइस आप लोगों को पता होगा स्प्रे पेंट भी काफ़ी महंगा आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से एक पेयर टावर होम थिएटर का मैं बना दूँ, और मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसा कंप्लीट हुआ है पेंट हो करके। गाइस मैं उतना प्रोफेशनली मतलब पेंट नहीं जानता जैसा कि जो पेंट होता है, जो लोग करते हैं जो पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है इसमें वो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, बट मैं पहले से एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, जैसा मेरे से हो पाया वैसा मैंने किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसा पेंट हुआ है, और गाइस जो वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो, इससे मेरा जो है हेल्प हो पाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस कुछ इस तरीके से हमारा जो कैबिनेट है वो पेंट हो करके दिख रहा है। गाइज इसका जो अभी बैक एरिया है वो थोड़ा सा रह गया, स्प्रे पेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं इसे कर दूंगा। और गाइज कुछ इस तरीके से जो है ये हमारा पूरा पेंट होकर के कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो गाइज इसका लुक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और साउंड तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, और जब इसके अंदर फिक्स हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा साउंड आने वाला है। तो आप वीडियो का इंतज़ार करना, और प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो यार चैनल को, जिससे कि ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ उसका जो बजट है वो मैं निकाल पाऊँ चैनल से ही। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है मेरा जॉब भी छूट गया है, तो पूरा ये कंप्लीट हो गया है।
सो गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब जल्दी हम टावर होम थिएटर के करीब बिल्कुल आ गए हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम पूरा कंप्लीट बना लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कर दो वीडियो को अभी, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो गाइज, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।